हाँ जी दोस्तों, स्वागत है थोड़ा सारे का अपने चैनल पर आम शरीर टिप्स से। तो दोस्तों 11वीं जमात जो कंप्यूटर साइंस का फाइनल पेपर होना है 2023 का मार्च। हाँ जी मित्रों, दोस्तों अज की वीडियो आप सॉल्वड फुल सॉल्वड सैंपल पेपर करवावे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के नाल। तो दोस्तों अज यह आप वीडियो पा रहे इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली। बाकी दोस्तों 11वीं क्लास का एंडला पेपर है, अगर भी जो 12वीं क्लास चो जाओगे 12वीं क्लास के थोड़े सारे पेपर के अपने चैनल से रिविजन करवाते रहेंगे। इस करके चैनल से तुम नवे आए हो, चैनल हम तक सबसक्राइब नहीं कराया, चैनल करके सबसक्राइब दोस्तों, ना लगी बैल आइकन घंटी में ऑल नोटिफिकेशन सैट कर देना, जब भी आप वीडियो पाई करी थोड़ी रिविजन की वो नोटिफिकेशन सब तो पहले थोड़े तक पहुँच जाए। तो हाँ जी मित्रों, तुम देख सकते हो पेपर थोड़ा कंप्यूटर साइंस का आएगा 50 मार्क्स का, 2-3 घंटे का टाइम होगा। तो सब तो पहले थोड़ा लगे आजूगा भाग उड़ा। हाँ जी मित्रों, भाग उड़े में सब तो पहले तो पहला प्रश्न आजूगा खाली थावां भरो। सारे प्रश्न एक एक अंक के होणगे दोस्तों। पहला है जिवें आप लवे प्रश्न, वैबसाइट फ्रैश ते क्लीयर बनाउण लई डैश नूं तरजीह दित्ती जाणी चाहीदी है। किसनों दोस्तों तरजीह दित्ती जानी चाहीदी है? किसनों? डिजाइन नूं। अगला है दूजा आप लवे डैश सानूं इंटरनैट ते वैबसाइटां नूं वेखण ते पहुँच करन दी आग्या दिंदा है। कौन दोस्तों? वैब ब्राउजर। इस तों अगला है इंटरनैट नाल जुड़े सारे सर्वरां दे URL एड्रैस डैश सेव होंगे हैं। किसते दोस्तों? www ते। अगला क्वेश्चन है एक डैश टाइप्स अते होर गुणा का सुमेल है जिमें कि आकार पिंड अते स्पेसिंग। ठीक है, इसका आप लगे आंसर आएगा दोस्तों फॉन्ट टाइप्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति जो कि प्रोग्राम लिखता है उसनू डैश कहा जाता है, प्रोग्रामर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन लगे दोस्तों दूजा 21 अंकों वाले प्रश्न उत्तर ने CSS शब्द का संखेप रूप दसना अपने कैसकेडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, इस तुसी इंग्लिश भी लिखा हुआ पंजाबी भी। HTTP का पूरा नाम की है? हाइपर टैक्सट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ओवर सिक्योर सॉकेट लेयर। अगला क्वेश्चन है कोई दो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम लिखने ने। हाँ जी दोस्तों, अवीरा नोटोन एंटीवायरस। इस तो अगला मतलब फुल फॉर्म्स आ गई, VGA की फुल फॉर्म की है वीडियोग्राफिक एडाप्टर। इस तो अगला है OP कोड ऑपरेशन कोड। ठीक है, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड वार इनफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इस तो अगर सही गलत आ गए अपने दोस्तों, अपन लवे सही गलत है अपन लवे पहला डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक हार्डवेयर है। गलत दोस्तों, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डाटाबेस को मैनेज करने लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही दोस्तों, इस तो अगर अपने तीजा प्रश्न हैगा सही उत्तर निशान लगाने ने वह कि मालवेयर होंदा है जो कंप्यूटर आधारित प्रणाली एक जासूस की तरह काम करता है। की होंदा दोस्तों? स्पाईवेयर। ठीक है, इस तो अगला क्वेश्चन है डैश एक सॉफ्टवेयर है जो कि आखिरी उपभोक्ता यानी कि एंड यूजर अते कंप्यूटर हार्डवेयर के विचकार एक इंटरफेस वजो काम करता है। इहदा आंसर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ED। हेठां लिखियां विचों किहड़ा टोकन हुंदा है? किहड़ा हुंदा दोस्तों? सारे। कीवर्ड विशेष चिन्ह लैक्टर्स। ठीक है, इस तो अगे दोस्तों अपने लगे चौथा क्वेश्चन है वह चिन्ह जो किसी डाटा उपर खास किस्म के ऑप्शन नू करवाउन लई वरते जाते हैं उन्होंने की कहा जाता है? की कहा जाता दोस्तों? ऑपरेटरस। अगला प्रश्न है अपने लगे पंजवा, किहड़ा ऑपरेटर केवल एक ही ऑपरेट उपर काम करता है? एक उपर किसकी कहते हैं दोस्तों? यूनरी। ठीक है, इस तो अगे अपने लगे चौथा प्रश्न है हरेक प्रश्न का अपने लगे भाग एड़ा आ गया समझ लो, यह जिमें कि हरेक प्रश्न 4 अंक का है यानी कि वड्डे क्वेश्चन आंसर आ गए। इस विच तुहानू 2 ऑप्शन आउणगीआं जिमें कि पहला प्रश्न है वैब विच HTML की भूमिका की हुंदी है? वैब विच HTML की भाषा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इस तो बिना वत्थ संभव नहीं है। ठीक है, इस तो बिना जिहड़ा संभव नहीं है HTML भाषा वैबसाइट नूं डिजाइन करन लई मूल भाषा है। HTML कोड की वरतों स्टैटिक वैब पेजा डिजाइन करने की जाती है। HTML लिखा कोड वैब ब्राउजर द्वारा समझा जाता है। वैब ब्राउजर HTML खेड अनुसार वैब पेज में वेखण योग बना के साड़ी मनी मनीटर स्क्रीन उपर डिस्प्ले करता है। या फिर इस ऑप्शन है या फिर ये क्वेश्चन करना है वैबसाइट डिवेलपमेंट के वक् वक् पड़ा किहड़े हैं? हाँ जी दोस्तों, वैबसाइट डिवेलपमेंट के वक् वक् पड़ा हेठ लिखे हैं जानकारी इकट्ठी करनी, योजनाबंदी, डिजाइन, विकास, ठीक है, टैसटिंग, डिलीवरी, ठीक है, रख रखाव।
इस तो अगर दोस्तों मतलब दूजा हैगा मतलब प्रश्न ऑनलाइन सर्च विच कोटेशन मार्क्स दी की वरतों है। इहदा उत्तर इत्थे शुरू हुंदा जदों असी ऑनलाइन सर्च विच सर्च किए जाण वाले शब्द नूं कोटेशन मार्क विच लिखते हाँ तो सर्च इंजन सिर्फ अते सिर्फ उस खास शब्द जां फिर वाक्यांश नूं ही वेख उपर उपर लग लग लभेगा ठीक है रेक अपना रेख देख उपर लभेगा तो उस नाल मिलते जुलते शब्दों सर्च रिजल्ट विच नहीं दिखाएगा ठीक है। इस तो अगे उदाहरण जे असी मूवी डायरैक्टर शब्द लिख के इस नाल संबंध ऑनलाइन सर्च करना चाहते हाँ तो फिर सर्च इंजन सानू मूवी डायरैक्टर मूवी और फिल्म डायरैक्टर आदि नाल मिलते जुलते बहुत सारे नतीजे दिखावेगा। परंतु जेकर असी उस शब्द नूं कोटेशन मार्क विच लिख के यानी कि मूवीज़ डायरैक्टर इन्हों अपने कोमे विच लिख के सर्च करते हाँ तो फिर सर्च इंजन सानू सिर्फ उस खास शब्द मूवी डायरैक्टर नाल संबंधित नतीजे ही दर्शावेगा ठीक है। इस तो हाँ जी दोस्तों इस तो अगर अपने इस ऑप्शन वाला क्वेश्चन हैगा वर्ल्ड वाइड वैब नूं परिभाषित करो। हाँ जी दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वर्ल्ड वाइड वैब यानी कि WWW नूं वैब या फिर वैब के नाम नाल भी जाना जाता है। यह वख-वख किस्मां दी जानकारी का एक बहुत वड्डा संग्रह है। इस विच सारियां पब्लिक वैबसाइटां शामिल होंदियां हन जो कि पूरी दुनिया विच इंटरनैट नाल जुड़ियां होंदियां हन। हरेक वैबसाइट पेज नूं एक विलक्खण जां फिर एड्रैस दिता जाता है जिस नूं URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वैब उपर स्टोर सूचना नूं वैब ब्राउज़र इंटरनैट एक्सपलोरल मोजिला फायरफॉक्स आदि की सहायता नाल देखा जा सकता है। वर्ल्ड वाइड वैब डाटा ट्रांसफर करने लिए HTTP प्रोटोकॉल की वरतों करते हैं। इस तो दोस्तों अपने तीजा क्वेश्चन है DBMS वर्किंग बारे दसो। हाँ जी दोस्तों DBMS का पूरा नाम हैगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यह असल में एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड रखने वाला सिस्टम होता है। एक DBMS डाटा नूं इस तरीके नाल स्टोर करता है जिस नाल जानकारी प्राप्त करना डाटा विच तब्दीली करना अते सूचना तैयार करना सौखा होवे। एक DBMS दे कई वक्रे वक्रे यूजर्स होंदे हन अते इन्हां यूजर्स दे डाटाबेस उपर काम करन दे अधिकार भी वक्रे वक्रे होंदे हन ठीक है हो सकते हन। यह वक वक यूजर्स डाटाबेस नूं वक वक उद्देश्यां लई वरतदे हन। उदाहरण लई कुछ यूजर्स डाटा प्राप्त करदे हन अते कुछ इसका बैकअप लैंदे हन। चौथा प्रश्न इस तो अगे अपन लवे वेरीएबल अते कॉन्सटेंट विच अंतर दसो। हाँ जी दोस्तों इहदा आंसर उत्थों शुरू हुंदा है। यह दोवें ही प्रोग्राम के महत्वपूर्ण तत्त हैं जो प्रोग्राम विच किसी मूल नूं स्टोर करने लई वरते जाते हैं। दोवें ही एलीमेंट्स नूं प्रोग्राम विच एक नाम अते उहनां विच स्टोर किए जाण वाले मूल की किस्म दी जाती है पर इन्हां दोवें विच थोड़ा फर्क है। रीएबल सानू प्रोग्राम नूं रद्द करन समय उन्हां दे मूल बदलन की आग्या दिंदे हन जदों कि कॉन्सटेंट्स यह आग्या दिंदे इस अर्थ होया है कॉन्सटेंट स्थिर मुल हुंदे हन जदों कि वेरीएबल दे मुल परिवर्तनशील बदलन योग हुंदे हन। इस तो अगे पंजवां क्वेश्चन है टाइप कन्वर्जन की होंगी। यदा आंसर है सी भाषा विच जरूरत अनुसार किसी एक्सप्रैशन का मुल किसी खास वक्री किस्म की डाटा टाइप विच तब्दील किया जा सकता है। जदों किसी एक किस्म के मुल नूं किसी दूसरी किस्म के मुल विच तब्दील किया जाता है तो इसनों टाइप कन्वर्जेशन कहा जाता है। सी भाषा विच यह कन्वर्जेशन के तरीके नाल हो सकती है प्रतख रूपांतरण ठीक है या फिर स्पष्ट रूपांतरण। इस तो अगर अपने लगे पांचवा प्रश्न हैगा हरेक प्रश्न 6-6 अंक का है। इस विच ऑप्शन आनी है दोस्तों। पहला प्रश्न है IT एक्ट 2001 की है इस दीयां विशेषतावां का वर्णन करो। हाँ जी दोस्तों आंसर है साइबर खतरियां नूं ध्यान विच रखदे हुए इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी की वरतों नूं कानूनी दायरे अंदर लियाउण लई भारतीय सरकार ने 17 अक्तूबर 2001 एक्ट पास किया सी जिस नूं कि इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी एक्ट 2000 का नाम दिता गया है। इस एक्ट नूं ITA 2000 भी कहा जाता है। इस एक्ट दियां कुछ मुख्य विशेषतावां इस तरह हन ठीक है। इहदा आंसर है दोस्तों पहली हैगी इस एक्ट विच डिजिटल सिग्नेचर दस्तखत ठीक है नूं कानूनी मात्रा दिती गई है। इस एक्ट विच इलैक्ट्रॉनिक माध्यम राहीं किते जाण वाले वित्तीय लैण देण नूं पूरी मानता दिती गई है। यह एक्ट पूर्ण तौर पर साइबर क्राइम अते इलैक्ट्रॉनिक कामर्स नाल संबंधित एक्ट है।
इस एक्ट विच सरकारी दफ्तरां ते एजेंसियां दे फार्म ऑनलाइन जमा करन नूं कानूनी मात्रा दित्ती गई है। इस एक्ट विच एक साइबर अपील रेगुलर रेगुलेशन ट्रिब्यूनल दी स्थापना की गई है, जो कि साइबर संबंधी अपीलां ते करवा करदा है। इस एक्ट अनुसार साइबर अते अपील रेगुलेशन ट्रिब्यूनल दे आदेश दे खिलाफ सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट विच ही हो सकती है, या फिर इस विच ऑप्शन है साइबर हमलों के कारणों की विस्तार सहित व्याख्या करो। ये दोस्तों तुसीं आप कर लो, तुहानूं आपां इहदा आंसर दिखाई दिंदे आ। इस तों दूजा क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्राम विच वख-वख किस्मां दीआं गलतियां दा वर्णन करना है। इहदा आंसर आम तौर ते प्रोग्रामां विच दो किस्मां दीआं गलतियां मिलदीआं हन, ठीक है। पहली हैगी है टैक्स एरर्स, ठीक है, यानी कि सिंटैक्स गलतियां। इह गलतियां प्रोग्राम बणाउंदे समें उदों हुंदीआं हन जदों कि असीं प्रोग्राम भाषा दे नियमां जां फिर सिंटैक्स दी पालणा नहीं करदे। कंपाइलरां द्वारा कंपाइलेशन प्रक्रिया दौरान इह किस्म दीयां गलतियां अपने आप लभिया जांदियां हन। एक प्रोग्राम नू सफलतापूर्वक उस समय तक कंपाइल नहीं किया जा सकता जदों तक प्रोग्राम विचले सारियां सिंटैक्स गलतियां नू ठीक नहीं कर दिता जांदा। इस तों अगे सी भाषा विच सिंटैक्स गलतियां दीयां कुछ उदाहरण हन, जिवें कि सैमी कालन ना लगाउणा, ठीक है, वेरीएबल डिकलेरेशन करना भुल जाना आदि। लॉजिकल गलतियां आ गईयां, इह गलतियां उदों हुंदियां ने जदों कि प्रोग्राम दे लॉजिक विच गलतियां होण। जेकर साडे प्रोग्राम विच लॉजिकल गलतियां होण तां इह सफलतापूर्वक कंपलाइन तां हो जाएगा, इह पर गलत नतीजे आउटपुट पैदा करेगा। कंपाइलर द्वारा अजिहियां गलतियां लभियां नहीं जा सकदियां। इह डबिंग टूल्स दी मदद नाल आसानी नाल लंबियां जा सकदियां हन। जां फिर ऑप्शन विच इह क्वेश्चन है एलगोरिथम की हुंदा है, उन्हां वख-वख विशेषतां दा वर्णन करो जो एक एलगोरिथम विच होणियां चाहीदियां हन। एलगोरिथम बनाउणा कंप्यूटर प्रोग्राम दी मुढ़ली जरूरत है। इह दोस्तों तुहानूं आपां क्वेश्चन दिखाई दिंदे आ, सौखा ही इंपोर्टेंट है ते दो पॉइंट ने, इसलिए तुसीं इक वार पढ़ लेना। हाँ जी मित्रों, इस तरह जिहड़े तुहाडा इह इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे नाल सैंपल पेपर कंप्लीट हो जांदा फुल सॉल्वड। बाकी दोस्तों इस विच तुहाडे पेपर 'च बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आउणगे, इहनां नूं इक वार चंगी तरह याद करके जरूर जाणा जिस तुहाडा पेपर है 11वीं क्लास दा कल नूं। बाकी दोस्तों जेकर तुसीं अपने चैनल ते पहली बार आए हो, चैनल हुण तक सबसक्राइब नहीं करिआ, चैनल नूं सबसक्राइब करके दोस्तों नाल लगी बैल आइकन नूं ऑल नोटिफिकेशन दे कर लियो, क्योंकि दोस्तों तुहाडे पेपर हो गए 11वीं दे, अगे तुसीं 12वीं च हो जाओगे, 12वीं क्लास से तुहाडे सारे पेपर रिविजन अपने चैनल से करवाते रहेंगे। बाकी दोस्तों वीडियो कर दो लाइक शेयर कर दो, तो आपां टैलीग्राम से ज्वाइन कर लेना दोस्तों PSU रिलेटड पंजाब स्कूलों रिलेटड, तुहानू सब तो पहला अपने टैलीग्राम चैनल के अपडेट्स मिलते रहने, लिंक डिस्क्रिप्शन है। जिसमें कोई डाउट होंगे अपन परसनल मैसेज करके पूछ सकते दोस्तों, अपनी इंस्टाग्राम की रियल परसनल ID का लिंक डिस्क्रिप्शन है, अपन परसनल मैसेज करके पूछ सकते हो, तो फॉलो जरूर कर लियो। तो बाकी दोस्तों जल्दी मिलते थोड़ा अगली वीडियो में, उत्थे सारे धन्यवाद।